फ्रेंड्स, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम बातें फिल्मों की, इस में कुछ ऐसे म्यूजिशियंस के बारे में बात करेंगे जो कि जिन्होंने की पूरी विधिवत भारतीय शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली और फिर वो फिल्मों में गए। और उनकी खासियत ये रही कि उनकी फिल्मों के गाने, अधिकतर गाने उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो राग होते हैं उनके ऊपर, उनके आधा उन पर आधारित बनाए और जो बहुत ही सुपरहिट हुए। इसमें अगर हम देखें तो नौशाद साहब का जो नाम है वो टॉप पर आता है। और भी लोग रहे, सी रामचंद्रन रहे और कुछ ऐसे भी रहे जो प्रोफेशनल क्लासिकल म्यूज़िक के आर्टिस्ट थे और उन्होंने हिंदी फिल्मों में म्यूज़िक कंपोज किया, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया, श्री पंडित शिव कुमार शर्मा। इस कड़ी में एक और नाम, बहुत पुराना नाम है जो मुझे याद आता है, वो है श्री रोशन लाल नागरथ, जिनका कि निक नेम था रोशन, रोशन नाम से जो म्यूज़िक कंपोज करते थे। ये एक बहुत ही समर्पित शास्त्रीय संगीत के कलाकार थे और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा इन्होंने शास्त्रीय संगीत के बहुत ही बड़े विद्वान पंडित एस एन रातन जनकर जी से ली। और इस राज जो वाद्य होता है शास्त्रीय संगीत का, बहुत कठिन वाद्य है, इस वाद्य के ये स्टाफ आर्टिस्ट थे ऑल इंडिया रेडियो में। और अलाउद्दीन, उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब से इन्होंने सरोद की भी विधिवत शिक्षा ली, लेकिन उसके बाद वो बम्बई आए। बम्बई में उन्होंने अपना भाग्य आजमाया और यहाँ कुछ दिनों वो सहायक रहे। और उसके बाद पंडित केदार शर्मा ने उन्होंने अपनी फिल्म में मौका दिया। पहली फिल्म उनकी फ्लॉप रही, लेकिन इसके बाद उन्होंने और एक मौका दिया तो उसके बाद उन्होंने म्यूजिकल हिट देवर फिल्म बनाई। और उसके बाद उनका जो सफलता की ओर जो वो बढ़े तो बढ़ते ही गए और एक से एक सुपरहिट फिल्में, म्यूजिकल सुपरहिट उन्होंने उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया, जिसमें से कुछ नाम जो है बहुत ही फेमस नाम है, जैसे ताजमहल, बीगी रात, ममता, देवर, बावरे नैन, बरसात की एक रात। ये ऐसे कुछ नाम हैं। चित्रलेखा, अनोखी रात, ममता, दिल ही तो है। अब बरसात की एक रात, बरसात की एक रात फिल्म का की जो कव्वाली है, ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफ़र की तलाश है, बहुत ही फेमस है, जो कि आज भी लोग सुनते हैं। उसके बाद लागा चुनरी में दाग, दिल ही तो है का, तो ऐसा उन्होंने सुपरहिट जो फिर म्यूज़िक शास्त्रीय संगीत पर आधारित जो गीत थे वो उन्होंने दिए। और ऐसे इस महान संगीतकार का निधन 1967 में हुआ और उनके जो पुत्र थे राकेश रोशन, श्री राकेश रोशन जी, श्री राजेश रोशन जी, ये भी हमारी फिल्म जगत के बहुत माने जाने जाने माने एक्टर हैं और उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में बनाई जो आज भी लोग बहुत ही पसंद से देखते हैं।
ऐसे ही उनकी एक फिल्म भीगी रात का एक गीत है जो मैं गाने की कोशिश करूंगा और उनको उनके प्रति अपनी आदरांजलि व्यक्त करूंगा। मोहब्बत से देखा खफा हो गए हैं, मोहब्बत से देखा खफा हो गए हैं, हंसी आजकल के खुदा हो गए हैं, हंसी आजकल के खुदा हो गए हैं। अदाओं में थी सादगी अब से पहले, हो अदाओं में थी सादगी अब से पहले, वल्ला कहाँ रंग थे ये सुनहरे अब से पहले, हो नजर मिलते ही, नजर मिलते ही क्या से क्या हो गए हैं, हंसी आजकल के खुदा हो गए हैं, मोहब्बत से देखा खफा हो गए हैं, हंसी आजकल के खुदा हो गए हैं। किसी मोड़ से बन के सूरज निकलना, ओ किसी मोड़ से बन के सूरज निकलना, तौबा कहीं धूप में चांदनी बन के चलना, हो जिधर देखो जलवा, जिधर देखो जलवा नुमा हो गए हैं, हंसी आजकल के खुदा हो गए हैं, मोहब्बत से देखा खफा हो गए हैं, हंसी आजकल के खुदा हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।